नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमको समझना है ये जो नागर स्टाइल है और बाकी के जो स्टाइल है यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया एक है नागर स्टाइल है ना ये नागर स्टाइल है इसके बाद मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारे किंगडम होते हैं है ना एक वेस्टर्न है एक सेंट्रल है फिर ईस्टर्न है ना ईस्टर्न है ये सब क्या है ये ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है यहाँ पर किस आधार पर किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन बेसिस ऑफ रीजन आ रहा आपको ये हमने काहे के आधार पर किया है ये हमने रीजन के आधार पर किया है क्लियर वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे द्रविड़ स्टाइल तो द्रविड़ में मैंने क्या बताया था द्रविड़ में मैंने आपको बताया था पल्लवास है ना फिर मैंने आपको बताया था चोलास फिर मैंने आपको बताया था विजयनगर विजयनगर फिर मैंने आपको बताया था नायक ये हमने किसके आधार पर किया है ये कि सब हमने किसके आधार पर किया रीजन है कि किंगडम है यहां पर ध्यान से देखो ये किसके आधार पर कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम ठीक है तो इसको हम करते हैं रीजन के आधार पर इसको हम करते हैं किंगडम के आधार पर ये क्लासिफिकेशन ये पॉइंट आप याद रखना ठीक है तो यहाँ पे हो सकता है एक ही रीजन में आपको पल्लवास के फीचर भी देखने को मिल जाए चोलास के भी देखने को मिल जाए लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि वेस्टर्न इंडिया है तो वहां पर अलग स्कूल चलता है, है सेंट्रल इंडिया है अलग स्कूल चलता है ईस्टर्न इंडिया है अलग स्कूल चलता है संजा की बात ठीक है तो ये वेस्टर्न इंडिया सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन रीजन मतलब एरिया के आधार पर हमने बांटा है यहाँ पर स्कूल जो बांटे पल्लवास चोलास विजयनगर नायक किसके आधार पर है ये ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम है ठीक उसके बाद आएगा आपका वेसर स्टाइल वेसर स्टाइल को भी हमने किंगडम के आधार पर किया है उसको समझ में आ गया ना तो वो भी उसमें भी देखेंगे राष्ट्रकूट चालुक्य हो साल वेसर को भी हमने किसके आधार पर किया है ये है वेसर वेसर में भी आपके तीन देखने को मिल रहे हैं कौन कौन से एक होता है राष्ट्रकूट एक होता है आपका साल पढ़ना है आपको ठीक है साल के बाद एक और जिसको पढ़ना है हमको वो है आपका चालुक्यास इनफैक्ट फर्स्ट में आपको चालुक्यास पढ़ना है ये है देखो इधर पे ये जो देख रहे हैं ये है आपका यहां से बिगनिंग होता है वेसर स्टाइल का द्रविड़ का बिगनिंग होता है कहां से पल्लवास से ठीक है नागर का बिगनिंग कहाँ से होता है तो वो गुप्तास ठीक है ना ये वाला याद रखना यहाँ पर गुप्तास से चालू होता ही है ये यहाँ पर चालू होता है पल्लवास से यहाँ पर चालू होता है चालुक्यास ठीक है ना ये तो ये इनके पायनीर नीर है ये ठीक क्लियर है अब देखो अब एक चीज आपको समझा दू मैं क्या कि ये नागर शाइल अपन पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ना नागर शाइल ही चालू कर रहे हैं नागर स्टाइल में आपको मैं कुछ चीजें बता दूं लेकिन एक चीज पहले समझ लो यहाँ पर ये नागर स्टाइल में यहाँ पे देखना ध्यान से ठीक है ना ये जो ना, नागर स्टाइल कहां पर है तो पहली बात आपको पता होना चाहिए ये कौन से इंडिया में है तो ये नॉर्दर्न इंडिया में है ना इसको नॉर्दर्न इंडिया में नागर स्टाइल के नाम से जाना जाता है तो ये नागर क्या है तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए ये टेम्पल आर्किटेक्चर का एक रीजनल uh, क्लासिफिकेशन है जहां पर डेक्कन रीजन में वेशर होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में आपका नॉर्दर्न uh, इंडिया में आपका नागर स्टाइल है और सउदर्न इंडिया में आपका कौन सा स्टाइल है तो द्रविड़ स्टाइल ठीक है अब uh, मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है एंटायर प्लेटफॉर्म एक स्टोन प्लेटफॉर्म एंटायर जो टेम्पल होता है वो कहीं में बनाते हैं एक स्टोन प्लेटफॉर्म में ये पूरा स्टोन प्लेटफॉर्म होता है ये रेज रहेगा इस स्टोन प्लेटफॉर्म में हम क्या करते हैं सीढ़ी बनाते हैं सीढ़ियां होती हैं सीढ़ियां से इस टोन प्लेटफॉर्म में जाते हैं फिर इसके ऊपर क्या होता है टेम्पल बनाए जाते हैं ठीक तो ये ये कहना चाह है ठीक अब ये जो ये जो स्क्वायर प्लेटफॉर्म होता है उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि वो रथ की तरह दिखे रथ मतलब याद करो वाहन का कंसेप्ट आपको बताया था मैंने है ना तो उसकी तरह इसको देखने को मिलेगा ठीक है इसके साथ साथ टावर होते हैं ये सब मैंने आपको समझा ही दिया है टावर होता है, कर्व होता है स्लैब होती है, ये सब अमलक होता है एलिवेशन होता है ये सब आपको समझा ही दिया हूँ ठीक है क्लियर ना टावर कैसा होता है कर्विलीनियर टावर होता है ये सब तो ऑलरेडी आप जानते ही हो ठीक है ना तो इसमें कुछ अलग से कुछ समझाने का है ही नहीं मेन समझना है जो है आपका वो तीन तरीके का जो नागर टेम्पल होते हैं ना उनमें जो शिखर होते हैं वो आपको तीन तरीके के देखने को मिलते हैं ये थोड़ा सा याद रखना ये जो नागर टेम्पल है उसमें अगर हम बात करें नागर टेम्पल को डिवाइड जब हम करते हैं तो उसमें शिखर हमको जनरली तीन तरीके का देखने को मिलता है तो तीन तरीके का समझो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक को बोलते हैं लटीना टाइप ठीक एक होता है लटीना टाइप एक होता है फमसाना टाइप ठीक है और एक होता है वल्लभी ये क्या है ये टावर है है ना ये टावर है जो आपको देखने को मिलते हैं। लटीना टाइप हो सकता है फमसाना हो सकता है वल्ला भी हो सकता है ठीक अब देखो लटीना फमसाना वल्लाभी क्या है समझो यहां पे क्या बोल रहा हूँ लटीना टाइप में क्या होता है स्क्वायर बिल्डिंग होती है जैसे ये स्क्वायर बिल्डिंग है समझो ठीक इसको थ्री डी में बना देता हूं बिल्डिंग है यहां से क्या होगा कर्वी लिनियर टावर चालू होगा ठीक है ना यहां से करवी लीनियर टावर होगा ठीक यहां से अभी करवी लिनियर टावर चालू हो जाएगा आपका ठीक है यहां से चालू होगा करवी लिनियर ठीक है वहां से भी चालू होगा करवी लीनियर यहां से चालू होगा कर्वी लीनियर ये लीनियर टावर आपका हो जो कि एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज होगा ठीक है एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज होगा और ये टावर को हम क्या बोलते हैं लटीना टाइप ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है जो गर्भगृह होता है ना गर्भगृह होता है गर्भगृह के ऊपर जो इस तरीके का टावर होता है उसको बोलते हैं लटीना टाइप मतलब ये कैसा होता है लीनियर होता है लीनियर मतलब ऊपर जाएगा तो कर्व होता जाएगा ये देखो कर्व ठीक थर्वी टावर होता है और ये जो होता है ये जनरली मोस्ट आ, आ, सबसे बड़ा टावर होता है वही होता है ये एक, एक सेकेंड हेलो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि तीन तरीके का आपको टावर बता रहा था मैं टावर में मैंने आपको तीन तरीके का बताया तीन तरीके में क्या क्या बताया मैंने आपको कि भाई यहाँ पे टावर जो है वो आपका देखने को मिलेगा लठीना टाइप का फमसाना टाइप का और वल्लभी टाइप ठीक है लठीना टाइप में क्या बताया मैंने आपको करबी लीनियर होगा ियर जो ऊपर जाएगा जब ये ऊपर आएगा तो देखो ऊपर एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगा ठीक है ना ये कर्व कर्व जो होगा अपसाइड जाएगा और कन्वर्ज होगा एक पॉइंट पे है ना कन्वर्जेस एट अ पॉइंट और जनरली इसको कहां पे रखा जाता था ये जो लटीना टाइप का टावर होता था इसको कहाँ पे रखा जाता था तो याद रखना कि गर्भगृह के ऊपर होता था और जनरली टेम्पल में जो सबसे बड़े टावर होते हैं नॉर्थ इंडिया में वो कौन से होते हैं लटीना टाइप के ऊपर तो ये हाइएस्ट टावर होता था हाइएस्ट टावर होगा पहली बात और ये जस्ट अः किसके ऊपर देखने को मिलेगा आपको तो गर्भगृह के ऊपर समझ समझना क्या चालू कैसे होता तो स्क्वायर प्लेटफॉर्म है ये याद रखना ये कैसा है स्क्वायर प्लेटफॉर्म तो स्क्वायर प्लेटफॉर्म से चालू होगा और ऊपर जाएगा और कन्वर्ज होगा काहे में एक पॉइंट पर हाईएस्ट टावर होता है ये समझ में आ गया काहे के ऊपर होगा आप किसके ऊपर तो गर्भगृह के ऊपर डन इतना समझ में आ गया बताओ जल्दी बोलो समझ में आ गया यस yes, यस yes, yes, ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ फमसाना टाइप फमसाना टाइप में क्या होता है देखो ये टावर भी ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है ना ये टावर भी आपका ऊपर की तरफ जाएगा ये टावर है आपका ऐसे लेते हैं इसको थ्री में समझते हैं ये भी आपका टावर है ठीक ये टावर भी क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन ये क्या होगा ये कर्वी लीनियर ना होकर के स्ट्रेट जाता है समझ में आ गया ये कैसा होगा स्ट्रेट जा रहा है क्लियर है इसमें भी क्या होगा इसमें भी क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई ये जो इसमें क्या होता स्लैब्स होते हैं ये स्लैब्स क्या होते कन्वर्ज होंगे कन्वर्ज होंगे एट पॉइंट कहां पर अपसाइड लेकिन यहां पर कर्वी लीनियर नहीं होगा ये कर्वी लीनियर ना हो करके कैसा होता है कर्वी लीनियर ना हो करके कैसा होगा स्ट्रेट होता है स्ट्रेट होता है ठीक है करवी लीनियर ना हो करके स्ट्रेट होता है और स्ट्रेट के साथ-साथ इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको ये कहां पे देखने को मिलता है ये जनरली लोअर होता है ना लोअर देन लटीना टाइप लटीना टाइप बट देखो ये स्क्वायर है प्लस ये ज्यादा चौड़े नहीं होते लेकिन ये वाले जो होंगे ये देखो बहुत चौड़ा होता है ना ये ब्रॉडर होगा ब्रॉडर देन लटीना टाइप है ना लटीना टाइप से क्या होगा ब्रॉडर होगा ये ठीक है ना लटीना टाइप से ब्रॉडर होगा यह बात आपको पता होनी चाहिए ठीक आपको जनरली फाउंड जो जगमोहन होता है, है, है उड़िया में इसको जगमोहन बोलते हैं और वैसे नॉर्थ इंडिया में जो आप जानते हो जनरली इसको मंडप जो बोलते हैं मंडप के ऊपर आपको ये वाले टावर देखने को मिलते हैं है ना आप कहां पर जो मंडप होता है है ना मंडप के ऊपर जो होता है वो आपको क्या देखने को मिलेगा मंडप के ऊपर जो है वो हमको देखने को मिलता है कौन सा टॉवर वो देखने को मिलेगा हमको कौन सा तो ये फमसाना टाइप ठीक तो फमसाना टाइप कहां पर मंडप के ऊपर लटीना टाइप कहां पर किसके ऊपर तो आपको पता होना चाहिए गर्भगृह के ऊपर हायर कौन सा होता है लटीना टाइप ब्रॉडर कौन सा होता है फमसाना टाइप समझा क्या ना यहां पे देखो ये ठीक तो ऐसा टावर आपको देखने को मिलेगा प्लस वल्लाभी क्या होता है वल्लाभी में मैंने आपको क्या बताया इसका रेक्टेंगुलर बेस होता है रेक्टेंगुलर बेस प्लस ये क्या होता है वोल्टेड चैम्बर होता है याद आया वोल्टेड चेंबर जो मैंने आपको बताया था ऐसी बिल्डिंग होती है है ना और उसमें ऐसा कर्व होता है ठीक है ये वोल्टेड चेम्बर है नीचे से आप ऊपर देखोगे तो आपको वोल्ट नजर आएगा ठीक है ना वोल्टेड चेम्बर होता है ठीक है ना तो दिखा देता हूँ मैं ये है देखो जैसे ये है ये लिखा हुआ है ठीक है ना ये देखो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विथ रूफ कैसा होता है वोल्टेज चैम्बर देखने को मिलेगा ठीक है ना क्लियर है तो ये ये याद रख लेना ये देखो ये वोल्टेज चैम्बर है आपको ये ऐसा देखने को मिल रहा है और भी, भी, यहाँ पे देखो बेस कैसा है रेक्टेंगुलर है अलग ही समझ में आ रहा होगा आप ठीक यहाँ पे ऐसा होगा अंदर से और ऐसा होगा ठीक है तो रेक्टेंगुलर है ये बात आपको पता होनी चाहिए ठीक तो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विध रूफ क्या होता है राइजेस इनटू वोल्टेज वॉल्टेड चेम्बर दे आर यूजुअली कॉल्ड एज वैगन वेगन बिल्डिंग्स भी बोलते हैं इसको ठीक है एग्जाम्पल क्या है तो ये लिखा हुआ ऊपर आ जाओ। रेखा प्रसाद क्या है रेखा प्रसाद लटीना को भी बोलते हैं ठीक है ना लटीना को दो नाम से जाना जाता है रेखा प्रसाद और लटीना टाइप इसमें क्या हो रहा है देखो ये सिंपल शिखर होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप है स्क्वायर होता है नीचे प्लेटफॉर्म में मतलब बेस में और इसका वॉल जो होता है कर् होगा अप स्लोप है ना और कहां पर एक पॉइंट ऑन द टॉप समझ क्या मतलब जो ऊपर बताया था एक पॉइंट होगा उसकी तरफ कर्व होंगे ये जो टॉप ये जो टॉप है उसको बोलते हैं लटीना ठीक है ना ये जो टॉप पॉइंट होता है उसको लटीना बोलते हैं और इस टाइप के शिखर को हम लकीना लटीना टाइप शिखर बोल देते हैं फमसाना में आ जाओ ये क्या होता है ब्रॉडर होता है एंड शॉर्टर होता है पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको ब्रॉडर एंड शॉर्टर होगा देन लटीना बिल्डिंग्स ठीक उसके बाद ये क्या बोल रहा है यहाँ पर रूफ क्या होते हैं सेवरल स्लैब्स हैं

फमसाना टाइप कहाँ पे यूज होते हैं मंडप के लिए और लटीना टाइप कहे के लिए गर्भगृह के लिए ये आपको समझाई दिया ये एग्जाम्पल दिया है आपको फमसाना का ठीक है ना ये फमसाना का और ये जो आप देख रहे हो लटीना टाइप ये जो मेन है ये देखो ये कर्वी लीनियर है यहाँ पे देखो आप ये समझ में आ रहा होगा आपको ये वाला टावर देखो ये वाला टावर और ये वाला देखो कैसा ब्रॉडर है समझ में ये जो है ये आपका लटीना टाइप ये ये और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको और अच्छा ये देखो ये ये देखो ये ब्रॉडर है ये तो समझ में आ रहा ना तो अलग ही समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये आपका तीन तरीके का मैंने क्या बता दिया आपको तीन तरीके के जो टावर्स होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए ठीक है तीन तरीके का टावर है ये ये आपको समझा दिया मैंने याद रखना है लटीना टाइप ब्रॉडर टाइप वल्ला भी। भी जन, जनरली यूज नहीं होता है लेकिन ये क्या करते हैं मेन टेम्पल पे तो यूज नहीं होता टेम्पल के आस पास जो सब्सिडियरी जाते हैं वहां पर देखने को मिलता है और जनरली ये ईस्टर्न जो ईस्टर्न वाला है मतलब उड़ी, उड़िया स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा और ये जनरली साउथ में देखने को मिलेगा ठीक है ना तो फिर भी जो टाइप था वो तो हमको समझना ही है वो हमने समझ ही लिया ठीक है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए तीन तरीके के टावर हमने समझ लिए ठीक अब वापस आते हैं नागर स्टाइल में तो नागर स्टाइल के जो टावर है वो तीन तरीके के टावर है वोल्टेड चेम्बर बेस ये इसको वल्ला भी बोलते हैं ये आपका स्लैब्स बता दिया कन्वर्ज होगा पॉइंट अप स्लोप पर ये बता दिया लटीना टाइप ये मैंने आपको समझा दी ठीक है ये ये अच्छे से आपको क्लियर कट समझ में आ गया अब आगे बढ़ते हैं बाई वन करके एक वो समझ लेते हैं जल्दी से अपन ठीक है स्कूल्स जो हैं आगे आपके वो समझ लेते हैं अब देखो जो मैंने आपको क्या बताया था ईस्टर्न से चालू करते हैं ना नागर में पहला नागर में ईस्टर्न ईस्टर्न स्टाइल में है ना ईस्टर्न स्कूल में फिर ईस्टर्न रीजन में ईस्टर्न रीजन के जो स्कूल्स हैं उनको समझ रहे हैं हम उसमें आपको तीन तरीके के स्कूल्स हैं एक को बोलते हैं अहोम स्टाइल एक को बोलते हैं हम बंगाल स्टाइल एक को बोलते हैं उड़िया स्टाइल ठीक ये तीन स्टाइल है ठीक अगर हम बात करें बंगाल स्टाइल की तो बंगाल स्टाइल में आपको पता ये होना चाहिए कि भाई इसमें जो इन्फ्लुएंस है है ना इन्फ्लुएंस है वो बर्मा का देखने को मिलता है इन्फ्लुएंस ऑफ बर्मा स्कूल बर्मा स्कूल जो बर्मा स्कूल है मतलब जो म्यांमार में जो टेम्पल बिल्डिंग होती थी उस समय उन, उनका जो आपका वो चल रहा था वहां पे जो डेवलप हुई थी वो, उनके हमको झलक देखने को मिलती है ये लेटर स्टेज में बनी है बहुत ऐसा नहीं कि बहुत पहले बनी है बहुत बाद में बनी है एज कम्पेयर टू जो आपकी बाकी टेम्पल्स ठीक है बट फिर भी ओवरऑल हमको पता होना चाहिए क्या कि यहाँ पर ये जो अः अहोम अहोम साइल है उसमें हमको इन्फ्लुएंस देखता है बर्मा का प्लस प्लस हमको इस समय ये किसका समय बात कर रहा हूँ ये जो पालास होते थे ना पालास का समय है पाला स्टाइल तो ये जो होम स्टाइल बना था आपका पाला स्टाइल का मिक्स है और बर्मा स्कूल का मिक्स है इन दोनों को मिल करके आपका बना है क्या होम स्टाइल है ना तो यहाँ पर आपको कहे के फीचर्स देखने को मिलेंगे पाला के आर्किटेक्चर के जो फीचर है प्लस बर्मा के जो आर्किटेक्चर के फीचर है वो हमको देखने को मिलते हैं ठीक है इसका एग्जाम्पल अगर आपको जानना है क्या है तो कमाख्या टेम्पल है जो कामाख्या टेम्पल ठीक है ना उस टेम्पल को ये टेम्पल है जिसको शक्तिपीठ बोलते हैं ये जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है ठीक है ना ये जो शायद इंक्यावन शक्तिपीठ होती हैं जितनी भी होती हैं एक बार आप चेक कर लेना उनमें से एक है ये टेम्पल ठीक है ठीक है ये कामाख्या देवी ये जो सती देवी हैं उनके उनसे ये कामाख्या टेम्पल का जब उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग पार्ट में फैले थे तो वहां से बोलते हैं इनका इमरजेंस हुआ था तो जो योनी जहां पर गिरी थी वहां पर बनाया गया है ये कामाख्या ठीक है तो ब्लेंड ऑफ बर्मा प्लस पाला स्कूल है अब ये सब क्या है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बर्मा स्कूल के क्या फीचर है पाला के क्या है तो दोनों के मिक्सचर काइंड ऑफ मिक्सचर आपको देखने को मिलता है काहे में अहोम स्टाइल ठीक है ना नेक्स्ट देखते हैं बंग, बंगाल स्टाइल में बंगाल स्टाइल में क्या देखने को मिलेगा आपको बंगाल स्टाइल मतलब ये पाला ये लगभग कब बनी है पाला स्टाइल कब का है ये नाइन टू इलेवन सेंचुरी के आसपास है ठीक है ना पाला उसी समय थे आपके तो उनका आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं? Next, बोलता हूं मैं? मैं बोलता बंगाल बंगाल में आपको पाला स्टाइल का भी देखने को मिलेगा प्लस सेना स्टाइल देखने को मिलेगा है ना सेना स्टाइल है पाला और सेना स्टाइल के लिए बहुत फेमस ठीक है उनसे एक यहाँ पर जो यूनिक फीचर है इनका वो क्या है पता है आपको यूनिक फीचर अभी दिखाता हूं आपको, जिसको बोलते हैं बांग्ला रूफ है ना बांग्ला रूफ बांग्ला रूफ इसके लिए बहुत ये टेम्पल्स में आपको बांग्ला रूफ देखने को मिलते हैं क्या है ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है बांग्ला रूफ बहुत फेमस है ठीक है ना इनफैक्ट ये जो बांग्ला रूफ है आपको जो आपका मौर्य मौर्य बोलो जो आपका मुगल आर्किटेक्चर है उसमें भी इसका झलक देखने को मिलता है इनफैक्ट अकबर ने जितने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उनमें से बहुत सारे में आपको बंगला रूफ का फीचर देखने को मिलेगा ठीक है तो ये बांग्ला रूफ है ये वहां पे भी डिस्कस करेंगे अपन जब मुगल का आर्किटेक्चर बताऊंगा वहां पे दिखाऊंगा मैं आपको बांग्ला रूफ का कैसा इन्फ्लुएंस इसका एग्जांपल देखना है अगर आपको तो ये सिद्धेश्वर टेंपल है ठीक क्लियर है तो ये हमको देखने को मिलेगा देखो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए प्री के लिए इसको तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसका यूनिक स्टाइल है तो इसलिए हम इसको समझेंगे बाकी ये होम स्टाइल और बंगाल स्टाइल में इतनी ही चीजें आपको पता होनी चाहिए ठीक है ना ये बंगला रूफ क्या है देख लो ये होता है बंगला रूफ ये देखो ऐसा होता बांग्ला रूफ छत देखो उसका कैसा है इसको बोलते हैं बांग्ला रूफ ठीक है ना ये बांग्ला रूफ है ऐसा होता है ठीक है ये कर्व होता है और ये यूनिक फीचर है बंगाल के जो बिल्डिंग्स होती है उनमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा ठीक है जैसे ये एक सिद्धेश्वर टेम्पल है इसमें मेन टावर तो छोड़ो आप साइड में अभी ये खंडार हो चुका है नहीं तो आपको साइड में भी आपको क्या देखने को मिलता है वो जो बांग्ला रूफ की मैं बात कर रहा था वो देखने को मिलता है ठीक है जैसे ये देखो अभी हल्का हल्का सा आपको झलक समझ में आ रही होगी ये टूटा हुआ है नहीं तो यहाँ पे किस तरीके का टावर बना होता मेन ये है बांग्ला बांग्ला रूफ ये आपको पता होना चाहिए ये यूनिक फीचर है इसका ठीक है ठीक है तो बंगाल आर्किटेक्चर ये बांग्ला आर्किटेक्चर है टेम्पल का ठीक है ना तो ये ऐसे आपको टेम्पल्स में आपको ये ऐसे करके बहुत सी चीजें देखने को मिलती यहाँ पे देखो लिखा है, है ना ये विष्णुपुर है देखो इसमें आपको सारे के सारे जो स्टाइल है टेम्पल की उसमें आपको यही देखने को मिल रहा है ना ये देखो कुछ भी बनाते थे तो ये बंगाल टेम्पल्स है ये देखो ये ये यहाँ पे देखो इसमें भी देखो वही वो ये टेम्पल है देखो टेम्पल में आपको कैसा देखने को मिल रहा है तो ये बांग्ला रूप देखने को मिल रहा है सुन में है ये देखो टेम्पल है बांग्ला रूप देखने को मिल रहा है तो मतलब ये बांग्ला रूप के लिए बहुत फेमस है इतना पता होना चाहिए ठीक है ना तो बांग्ला रूप बोलते हैं इसको टेम्पल्स में ये इसका फीचर आपको देखने को मिलता है ये देखो कोई भी टेम्पल आप उठा के देखो है ना विष्णुपुर का देखो दक्षिणेश्वर का देखो ठीक है ना ये आपको ये बांगला रूप जरूर देखने को मिलता है ठीक है ये यही चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ भाई तो ये चीजें यहाँ पे याद रखना ठीक है ना तो ये बांग्ला रूप के लिए बहुत फेमस है इसकी बात हमने कर ली ठीक है ना एग्जाम्पल सिद्धेश्वर टेम्पल वहां का एग्जाम्पल लिख करके आप बता दोगे कि भाई हाँ ये क्या है उसके लिए फेमस ठीक तो अब जो नेक्स्ट है वो है आपका उड़िया स्टाइल ठीक है तो यहाँ पे अब दो हमने देख लिया अहूम और वो अब देखेंगे क्या तो उड़िया स्टाइल